यूपी के आज सभी जिलों में एमएसएमई के लोन मेले का आयोजन। सीएम योगी लखनऊ में लोन मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1,90,000 लाभार्थियों को देंगे लोन। मिशन 2024 के लिए यूपी में बीजेपी की नई रणनीति। एक बूथ पर 20 यूथ योजना का बीजेपी करेगी प्रयोग। हारे हुए बूथों पर रहेगा विशेष फोकस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी की बुलाई बैठक। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही कई मुद्दों पर होगा मंथन। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादला। कई जिलों में बदले गए बीएसए। बागपत, औरैया, झांसी, जालौन के बीएसए का ट्रांसफर। अखिलेश यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिर उठाए सवाल। कहा किराए में रहने वाले बदमाशों का घर गिरा रही है सरकार। किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उसकी सजा क्या मकान मालिक भुगतेंगे। सीतापुर में 6 बदमाशों की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। डीएम मनोज सिंह के आदेश पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। सभी बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज कटाला हिंसा मामले में आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम पर शिकंजे की तैयारी। पीडीए ने चस्पा किया शाह आलम के घर पर नोटिस। अवैध निर्माण पर 12 जुलाई तक मांगा जवाब। यूपी के अलीगढ़ में मामूली विवाद में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान में जमकर पथराव और फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के जौनपुर में कट्टे से फायरिंग करते युवक का वीडियो युवती का वीडियो वायरल। युवती कट्टे से दनादन फायरिंग करती दिखी। अमरोहा में जंगली कुत्तों का आतंक। चारा लेने गई महिला को नोच कर मार डाला। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हसनपुर गजरौला मार्च को किया जाम। सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। घटना से परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। एसडीएम ने परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने का आदेश आश्वासन दिया। गाजीपुर की रजैतपुर पुलिस चौकी का हाल है बेहाल। हल्की बारिश में टपकती है छत। जर्जर भवन में खतरे के बीच ड्यूटी करने को मजबूर है पुलिसकर्मी। यूपी में आज बारिश का रेड अलर्ट। अधिकांश क्षेत्रों में 30 से 35 मिलीमीटर तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। जी यूपी उत्तराखंड पर सीएम ने दोहराई पहाड़ के विकास की बात। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का सीएम ने दिया भरोसा। हरिद्वार में महंत महाकाल गिरी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। शराब पीने से मना करने पर दिया था घटना को अंजाम। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। उदयपुर में 3rd दिन भी जारी रहेगा कर्फ्यू। कन्हैया लाल के हत्यारों से 2rd दिन बीएनआईए करेगी पूछताछ। कन्हैया के परिवार से मिलने जाएंगे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। लड्डू मिठाई खिलाकर दी जा रही बधाई। 1 जुलाई को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं फडणवीस। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। 10 अगस्त को एम वेंकैया नायडू का खत्म हो रहा है कार्यकाल। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में आज से ऑनलाइन होगा काम। दिल्ली सरकार ने बंद किया फिजिकल फाइलिंग सिस्टम। आज बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से पहले जत्थे को किया था रवाना।